हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में क्यूब मास्टर बॉय में। आज का टॉपिक क्या है? 2x2, 3x3, 4x4 एंड 5x5। हर एक क्यूब के अपन एक एक पैटर्न सीखी, वो भी इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में। सबसे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे फालतू का बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है टाइम। अब सबसे पहले अपन सीखेंगे 2x2 का क्यूब। 2x2 क्यूब का एक इजी सा पैटर्न देखेंगे। वो बनाने में ईजी है पर दिखने में बहुत औसम है, आप खुद ही देख लीजिएगा। आप चलो सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं करना है। और एक बात तुम्हें बताने भूल गया कि जो आखिरी वाला पैटर्न है उसको आखिरी वाले का मैं दो बताऊंगा। दोनों को देख के आप शॉक होंगे, एकदम शॉक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये अपना 2x2 क्यूब। अब 2x2 क्यूब को अपन कैसे बनाएंगे पढ़ने, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, स्केप मत करिएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम एल्गोरिथम ही बताएंगे, किसी के साथ में बताऊंगा एल्गोरिथम, ज़्यादातर मैं नहीं बताऊंगा एल्गोरिथम, इजी वे में बता रहा हूँ। मैंने क्या रखा, इजी वे बिना एल्गोरिथम। तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर आर को ऊपर करा और यू को लेफ्ट साइड तक कर दिया और घुमा दो। फिर से आर को ऊपर, देख लीजिए, यू को लेफ्ट साइड फिर से घुमा दीजिए। आर को ऊपर, यू को लेफ्ट साइड फिर से घुमा दीजिए। आर को ऊपर, यू को लेफ्ट साइड फिर से टर्न कर दीजिए। फिर से आर को ऊपर, यू को लेफ्ट साइड फिर से घुमा दीजिए। आर को ऊपर, यू को लेफ्ट साइड। अब इसे घुमाना नहीं है। अब ये देखिए पैटर्न क्या बना है, ये देखिए कितना औसम लग रहा है ना, कितना ईजी है ये बनाना और कितना औसम भी है, आप खुद ही देखिए। बस इतना ही करना है, बस आपको ये ध्यान रखना कि फ्लिप फ्लिप करना था, आर को ऊपर यू को साइड ऐसे ऐसे करते हैं। बस ये ध्यान रखना, आर को ऊपर करेंगे यू को साइड करेंगे तो घुमा देंगे, बस फिर से वही करना आएगा, तो अपना एक क्यूब का पैटर्न हो गया। अब आता है अपना क्या, 3x3। सबसे नॉर्मल क्यूब है, ज़्यादातर ये सबको सॉल्व करना आता है। अगर आपको नहीं आता तो मैं अपने इसकी तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाइए उसे वॉच करिए। और आप स्टार्ट करते हैं। इसका हम बनाएंगे सेंटर चेंज बनाने वाला। इसके दो तरीके बनाने का है। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल। अगर आपको ऐसे ऐसे करना आता है तो बिल्कुल इजी है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले करिए ये मिडल वाले को ऐसे करिए, फिर सेंटर वाले को, तो यही मिडल वाले को ऊपर, सेंटर मिडल सेंटर। बस यही करना है, मिडल सेंटर। फिर से बन गया। अब एक और बार कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, मिडल सेंटर। अब देखिए सॉल्व हो गया। अब आपको बता दें दूसरा तरीका क्या है। बीच वाले को घुमा दीजिए, फिर इसको ऐसे कर दीजिए। देखिए आप ढंग से देखिएगा, फिर शुरू से करते हैं। अगर आपको समझना है तो इसके वो उस पहले रिवाइंड करके देख लीजिएगा। देखिए मिडिल वाली लेयर को सेट कर दीजिए और फिर जैसे ऐसे करके करिए, फिर इसको ऊपर उठा दीजिए। और ये ऊपर उठाया, ऐसे कर दिया। और बस इस वाले को ये इसमें ऐसे कर दीजिए। बस देखिए अपना वही पैटर्न ऐसे ही बन सकता है। आपके दो तरीके, आपको दोनों ही ईजी हैं, आप कर सकते हैं। आप चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं अपना क्या आंसर, ये भी हो गया। अब आता है अपना 4x4 भी बहुत ईजी पैटर्न है, पर इतना ये बहुत आसान है, बहुत। तो हमें तो ये वाला पैटर्न 4x4 का सबसे अच्छा लगता है। अब देखिए ये अपनी सेंटर लेयर है, सेंटर ये मिडल लेयर है, सेंटर लेयर है, इसको दो बार घुमाइए, बस दो बार घुमाइएगा। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये अपनी सेंटर लेयर, इसे दो बार घुमाइए। मिडल लेयर को भी दो बार घुमाइए, फिर ऊपर घुमा लीजिए और फिर से सेंटर लेयर को घुमा दीजिए। अरे एक तो तरीका ये, इसके भी दो तरीके होंगे, पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ फिर आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर दूसरा तरीका भी कोई, ये थोड़ा ये जो पहले बताया वो थोड़ा इजी है, बस ये थोड़ा सा बस थोड़ा सा आएगा। जैसे कि इस वाले को दो बार घुमा दीजिए ओके, और फिर ये घुमा दिया, और फिर इसके बाद ऐसे घुमा दिया और फिर इसको दो बार घुमा दीजिए। अब देखिए आपको वही पैटर्न बन गया,
ये सिंपल है पर पहले वाला ज़्यादा ईजी है, वही ज़्यादा अप्लाई करिए और वो आपको जल्दी जल्दी लर्न भी हो जाएगा। अब आते हैं अपने लास्ट वाले का, सोचिए वो कैसा होगा। ये तो बहुत ईजी थे और कूल भी। अब आता है अपना सबसे ऑसम के दो बताऊंगा मैं, बहुत तगड़े तगड़े दो। चलो अपना आता है ये 5x5, ये क्यों मुझे बहुत पसंद है, इतना शाइन करता है ये वाला, इतना शाइन नहीं करता ये वाला, बहुत शाइन करता है ये, देखिए इसका कितना अच्छा कलर है। और चलो इसको हम आपको क्यों बता दें कैसे करेंगे। ये वाला जैसे ये इसमें अप्लाई करेंगे आप देखना कितना कूल, इतना अच्छा लगेगा, देख नहीं सकते आप। जैसे अगर आपके पास 5x5 है, अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसकी वीडियो डाल दूँगा। और 4x1 की तो मैं आज या कल में डाल ही दूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जो ऐसे ही क्यूब इसमें बनाए हैं, ऐसा पैटर्न इसमें बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। इसको एक बार आएंगे, फिर इसको दो बार ऐसे करने देंगे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको मार दीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए, आप फिर ऐसे लीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर नीचे वाले, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। आप जानते हैं ये, देखिए देखिए ये ऐसे करिए, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बस आपको ये फर्स्ट का सेकंड वाली लेयर घुमानी है दो बार, फिर इसके बाद सारी की ऐसे करनी है, तो अपने क्या बनेगा पैटर्न, ये बनेगा। कितना हमें बहुत पसंद है। इसके बाद जो आएगा वो तो और ही ज़्यादा बहुत ही तगड़ा है। अब पहले से सॉल्व कर लीजिए, वैसे ही उल्टे वैसे ही दो बार फिर से घुमा दीजिए तो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो समझना आए तो आप एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ जाएगी। आप प्लीज़ 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 स्किप ना करिएगा, क्या आप कहेंगे कि यश आपको समझ में नहीं आया, हाँ मेरा नाम यश है, मुझे बताना ही भूल गया था, सॉरी। अब चलो करते हैं, ये वाला ऐसे लाएंगे, ये भाई आपको बता नहीं सकता इतना अच्छा लगता आएगा। चलो हम आपको ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। अब ये मत समझ नहीं आया, खेल ख़त्म हो गया, अभी तो ट्रेलर था, अभी तो फिल्म बाकी है। देखिए ऐसे करिए। तो ना आपको आपको ईजी ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि मैंने इसमें करा था ना, बस वही करना। देखिए ऐसे 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 ऐसे, और ये अपना पैटर्न हो गया कंप्लीट। ये पैटर्न मेरा सबसे फेवरेट है, ये पैटर्न। ये देखिए आपको, जैसे कि आपने वैसे ही ये ऐसे करके जो करा रहता है वो कर लीजिएगा, है। और फिर इसकी मिडल वाली लेयर के साथ करिएगा, तो बस ये मिडल वाली लेयर, इसमें सब में मिडल वाली सेंटर में लेयर को घुमाइएगा, और फिर ये बड़ा थ्री वाले हैं, ये थ्री, बस इनको घुमाइएगा, ओके। और हमारी ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ये हमारे सारे पैटर्न थे, ये 2x2, 3x3, और ये आ गया अपना 4x4 और 5x5। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।